यह वो वीडियो है जिसमें ये, अच्छा हुआ ये मनोहर पर्रिकर मर गया, क्योंकि ये बीफ की गोवा में कमी नहीं होने देंगे ये इस वीडियो में बोल रहा है। इसका हिंदी में भी अनुवाद मैं करके बताता हूँ आपको। इस वीडियो में ये बोल रहा है कि हम बेलगांव और आदि जगहों से बीफ मंगवा कर ये पक्का करेंगे कि गोवा में बीफ की यानी गोमांस की कमी ना हो। और द बीफ व्हिच कम्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट नाम इंटरनली वी कैरी टुवर्ड्स आउट ना थ्रू प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर्स। ये कह रहा है कि मेडिकल डॉक्टर से पूरा का पूरा बीफ जो आएगा नेबरिंग स्टेट से, मतलब पड़ोसी राज्यों से, उसको जो है हम चेक करके ही अंदर आने देंगे। ये गद्दारी थी इस व्यक्ति की। हिंदू होने के बावजूद अपने वोट बैंक के लिए इसने बीफ को खुलेआम छूट दी हुई है अपने राज्य में। अब ये एक ट्रैवल शो है जो एक विदेशी जो है भारत में आता है और भारत के कई प्रकार के भोजनों का स्वाद लेता है, तो वो गोवा में गया तो उसका जो इस वीडियो का ओपनिंग जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें वो खुद कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं भारत में हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ठेले पर खुलेआम बीफ बिक रहा है जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, जो बहुत बढ़िया है खाने में। तो अब देखिए इस वीडियो की शुरुआत में 5 सेकंड का है, ये क्या बोलता है। I can't even believe that I'm in India right now. I'm at a food truck where they're serving beef. Yeah. I'm not dreaming. No. Okay, it looks really good. तो आप देखें कि किस प्रकार से विदेशी भी भारत ये सोच कर आते हैं कि यहाँ बीफ जो है गोमाता को पवित्र माना जाता है, लेकिन जो वो कहते हैं हमें विश्वास नहीं होता कि हम भारत में हैं, जब वो देखते हैं कि खुलेआम बीफ जो है उसके ठेले पे वो बिक रहा है। और दोस्तों मुझे लगता है कि हम किसी सरकार का विरोध करें ना करें वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमें उसके कार्यों की समीक्षा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक समीक्षा जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो आवश्यक होती है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो है, मैं बहुत वो गौभक्त हैं मैं मानता हूँ, लेकिन वो किस प्रकार से कर्नाटक के CM को हिंदू होने के बावजूद गोमांस को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वहीं जब उनके अपने BJP के जो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, वो जब गोवा में बीफ की कमी ना होने की बात करते हैं तो वो उस पर कुछ बात नहीं करते। अगर आप भी हिंदू हैं और हिंदुत्व की पैरवी करते हैं तो फिर गोमांस की पैरवी आपके द्वारा किया जाना कितना उचित है। और इस वीडियो में आप देखेंगे तो पाएंगे ये एक गोवा में गैर कानूनी रूप से चल रहा गाय का कत्ल खाना है, जिसका वीडियो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए देसी गाय बैठी है। इन गायों के ऊपर निशान लगाए गए हैं। निकाल, वो कुल्ला रख रहे। अभी इनसे ए बोल किधर कट किया तुम? बोल बोल, बात करते हैं, भाई पूछते हैं, बोल किधर कट किया तुम? क्या किधर, इधर क्या बोलते है? क्या हुआ था बैल को? हाँ बड़ा से बात कर रहे? आराम लगता है। हाँ बाद में क्या किया तुम? किधर, क्या नाम, इधर क्या बोलते है? लॉरेज में अब ये एक और वीडियो दिखाते हैं जो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स करके एक वहाँ पर वो है कंपनी है, वो किस तरह से गायों के ऊपर निशानदेही करके उनको काटती है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि गाय इस देश में कट रही है, भले ही निर्यात ना हो लेकिन देश में गाय कट जरूर रही है।
ये सारी देखिए देसी गायें कितनी सुंदर, कितनी हमारी जो गौ माता है वो सब है ये। अभी देखिएगा आप अभी गायों को पे कैसे निशान देही लगाई हुई है पूरी। ये सब गाय कटने के लिए तैयार है। अभी एक गाड़ी दिखाई देगी जो जिसके ऊपर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, जिससे ये सबूत जिसका ये सबूत है कि ये गोवा का ही वीडियो है। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का है गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड कंपनी है जिसकी कई देखिए गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो यहाँ गायों को, ये कोई गौशाला नहीं है, ये गायों को खाटने के लिए तैयारी हो रही है यहाँ पर। अब मैं जो है निर्मला सीतारमण का ये जो वीडियो है इसकी एक एक लाइन का विश्लेषण आपको बताऊंगा कि कितनी चालाकी से इन्होंने अपने आप को ये तो साबित कर दिया कि हम गोमांस निर्यात नहीं करते। ये लिख कह रहे हैं इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट बीफ, कि भारत गोमांस का निर्यात नहीं होता। तो कहना क्या चाह रही है कि निर्यात नहीं होता लेकिन हमने देश में उसको इस वीडियो में जो अभी तक इसने कहा, ये कहा है कि सिर्फ ये कह रही है हम वी डू नॉट एक्सपोर्ट, तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते, बार बार यही कह रही है कि। और ये एक भ्रमित जो काम ये कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ये कारा बीफ करते हैं भले, और ये बात सही है, गलत नहीं है कि ये एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सभी गौभक्त इस बात का ध्यान दें कि वो गलती से भी ये ना समझने लगे कि एक्सपोर्ट नहीं करते तो भारत में गाय नहीं कटती है। ये ध्यान दीजिए इस बात का कि भारत में गाय कटती है, बस उसको एक्सपोर्ट नहीं होने दिया जाता। और ये अभी इससे अगले लाइन में जो बात बोलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। And the livestock related issues are managed by the states. We don't allow export of any of these. ये कह रही है कि इसने ठीक रहा जो अभी हम बात कर रहे हैं गोवा की, कर्नाटक की, केरल की, यदि कि यदि वहाँ गौ रक्षा नहीं हो रही है तो ये स्टेट का मैटर है, हम केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये ठीक रहा उनके सर फोड़ कर ये अपनी स्पष्ट जो है अपनी सफाई देने के प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि ये भ्रमित करने का प्रयास है। और बात कहीं ना कहीं ये सही भी है कि जब मनोहर पारिकर ने गोवा में बीफ की कमी ना होने देने का पूरा सबको आश्वासन दिया, तो हमें लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सही हो रहा है कि सरकार की नाक के नीचे ही हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकार यदि गौ हत्या करती है तो ये उनका दोष नहीं है, ये राज्य सरकार का दोष है, ये हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है इस वीडियो को आप अलग से देख लीजिएगा। तो इसका जो निकल के बात ये आ रही है कि इन्होंने अपनी सफाई तो दी है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है सबको, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ये वीडियो है इसे सर्कुलेट तो खूब किया जा रहा है। जिन लोगों को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही थी, मैंने जो हिंदी में इसको इसके जो सबटाइटल दिए हैं वो इसी कारण से दिए हैं कि बहुत सारे लोग इसका ये लिखकर भेज रहे थे कि भारत सरकार ने गौमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, प्रूफ है ये वीडियो। तो उनको समझ में तो आ नहीं रहा कि ये कह क्या रहे हैं और कुछ भी लिखकर भेज रहे हैं, और लोग भी इसको सच मान लेते हैं। तो हमें लगता है कि इस देश में अंग्रेज़ी में जो क्रिकेट की कमेंट्री थी उसको तो समझ लेते हैं, लेकिन बातों को, इनके जो भाव हैं इनको नहीं समझ पाते। पूरी डिप्लोमेटिक और ये जो पूरी राजनीतिक भाषा है इसमें जो है हमें मूर्ख बनाया जाता है। तो गो भक्तों खुश मत हो, निर्यात नहीं हो रहा ये बहुत अच्छी बात है, एक हमें स्पष्टता हो गई इस बात की हमें खुशी है कि इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन जब तक देश में गाय कटना बंद नहीं होगी, देश में उसका सेवन बंद नहीं होगा, तब तक देश ये कार्य अधूरा है, गौरक्षा का काम पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए मोदी सरकार पे, राज्य अपनी राज्य सरकारों पे हमें दबाव देने की बहुत आवश्यकता है।
तो इसी विश्लेषण के साथ ये वीडियो मैं बंद करता हूँ। आगे आप सभी इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि आप लोगों को ये जो भ्रमित करने वाली जो भाषा निर्मला सीतारमण प्रयोग कर रही है, इसके भ्रम में ना आए। हाँ, एक बात स्पष्ट हो गई है कि हम निर्यात नहीं करते, भैंस का मांस निर्यात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांस निर्यात करके यदि देश को आगे बढ़ाना है तो वो भी एक गलत दिशा है। हम उसका भी अप्रूव नहीं करते, चाहे वो भैंस का मांस हो या किसी का भी मांस हो। It's 10 hours.